अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके पर दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। वह फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चौखट पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पीओके पर भारत के बयान का गंभीर संज्ञान लिए जाने का आह्वान किया है। बता दें कि मंगलवार को जयशंकर ने कहा था कि एक दिन पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। इस पर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करते हुए कहा कि भारत से इस तरह के गैर जिम्मेदारा और उग्र बयानों से तनाव और बढ़ेगा और इन बयानों से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। मंगलवार को जयशंकर ने पाकिस्तान और पीओके पर बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि आतंकवाद रोके बिना पाक से बात नहीं की जा सकती। आगे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को आंतरिक मुद्दा बताते हुए जयशंकर ने कहा, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमें उम्मीद है कि वो भारत का हिस्सा होगा। जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा, हम पाकिस्तान और पीओके के बारे में भारतीय विदेश मंत्री द्वारा दिए गए भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयानों की कड़ी निंदा करते हैं और इन्हें खारिज करते हैं। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान शांति के लिए खड़ा है लेकिन किसी भी तरह की आक्रामकता का कड़ा जवाब देने के लिए भी तैयार है। इससे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद जयशंकर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को निशाना साधते हुए कहा कि भारत पड़ोस प्रथम की नीति को आगे बढ़ा रहा है लेकिन उनके समकक्ष एक पड़ोसी है अलग तरह की नीति की चुनौती है और यह तब तक चुनौती रहेगी जब तक वो सामान्य व्यवहार नहीं करता और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।